नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भंडारे वाली आलू की चटपटी सब्जी, जो बिना लहसुन प्याज का बहुत ही टेस्टी बनता है, केवल टमाटर और ये हरी मिर्च और अदरक के साथ। तो यहाँ पे 3-4 टमाटर लिए हैं हम, और 3-4 ये हरी मिर्ची, और 2-3 इंच का ये अदरक का टुकड़ा। सब हम इस ग्राइंडर जो है, ये चॉपर है, ग्राइंडर नहीं, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये चॉपर में मैं अच्छे से महीन चॉप करूँगी, ये क्रंची सा टेस्ट देता है सब्जी में, यदि आप चॉप करके डालें तो। आप काट भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, इस चॉपर में बहुत ही बढ़िया कटेगा अभी, ये देख लीजिए। तो ये मैं इसे अच्छे से महीन इसमें चॉप कर ले रही हूँ, अदरक और मिर्ची को। उसके बाद मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी, फिर हम अगला स्टेप पर जाएंगे। अगले स्टेप में मैं उधर तब तक 1 kg आलू बॉईल करके उसका छिलका उतार के रखी हूँ, उसे मैं हाथों से थोड़ा मैश करके रखूँगी, अभी दिखाएंगे आपको मैश करते हुए। तो ये देखिए, पहले मैं टमाटर को अच्छे से इसमें, ये बहुत ही इजी चॉपर है, बहुत ही आसानी से इसमें ये चॉप हो जाता है, बिल्कुल पेस्ट की तरह भी तैयार हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा आप घुमा देंगे तो भी बनाइए, तो इसलिए ये टमाटर मैं इसी में सब्जी के लिए काटती हूँ, अच्छा होता है। कभी कभी पराठे के लिए जो सब्जी महीन चॉप करना होता है, तो उसमें भी ये चॉपर बहुत ही अच्छा काट देता है, गोभी वगैरह कुछ, शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी आपको चॉप करना है, बहुत ही अच्छा कर देता है ये, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, झटपट से हो जाता है। और प्याज तो और भी अच्छा चॉप करता है ये, क्योंकि प्याज ऐसे महीन चॉप करने में हाथों से फिर हमारे आँखों को लगता है, तो इसमें काटने से तो बिल्कुल भी आँखों को नहीं लगता है और आराम रहता है, झटपट से ये काट देता है। तो ये चॉपर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आरामदायक है। तो आपको यदि पसंद आए तो आप भी ये चॉपर ले सकते हैं, मैं ये चॉपर ऑनलाइन ख़रीदी हूँ, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप भी चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। देखिए, टमाटर हो गया है, पेस्ट सा बन गया है, और इधर मिर्ची अदरक भी काट के हम रख लिए हैं। अब अगला स्टेप में हम दिखाते हैं आपको, ये आलू देखिए कितना अच्छा बॉईल कर और छिलका उतार के रखे हैं। अब इसे थोड़ा महीन चॉप क्या, महीन मतलब हाथों से थोड़ा मोटा मोटा उसको मैश कर लिए हैं बस। अब ये है तड़के के लिए, यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, 2 चम्मच कसूरी मेथी है ये, 1 चम्मच अजवाइन, और ये हींग तो है, और ये है मसाले। मसाले में आप बेसिक मसाले तो डालेंगे, उसके अलावा 2 मसाला और इसमें हम डालेंगे। तो ये हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ये गर्म मसाला, और ये है अचारी मसाला, 3 मसालों का जो अचारी मसाला तैयार होता है भून के, वही है ये 2 चम्मच, छोटा चम्मच से आप इस सब्जी में ज़रूर डालें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये है आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर ड्राई मैंगो पाउडर जो बोलते हैं वो है, और एक और आप डाल सकते हैं चाट मसाला भी, थोड़ा इसका टेस्ट खट्टा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है इस सब्जी में। टमाटर यदि कम खट्टा है तो आप डाल दें। इधर तड़का के लिए मैं 1 चम्मच तेल गरम की हूँ, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों डाल दी हूँ। अब जो अदरक और हरी मिर्च जो ग्राइंड करके रखे थे, उसे इसमें डाल के 2 मिनट थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा कच्चापन इसका निकल जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी। तो बस ये भून रहा है, उसके बाद हम इसमें डाल दिए हैं 2 पिंच हींग। हींग डालने के बाद हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन पहले नहीं डाले, थोड़ा देर से डालें, बस थोड़ा सा भून गया है अजवाइन, बस उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो पाउडर है, मसाला पाउडर सब, वो एक एक करके इसमें डाल देंगे बस। वही हल्दी, धनिया, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, और ये अचारी मसाला भी हम इस टाइम डाल देंगे इसमें। ये जो मैंगो पाउडर है, जो आमचूर पाउडर, वो हम अभी नहीं डालेंगे, वो टमाटर वगैरह थोड़ा पक जाए उसके बाद डालेंगे। तो ये थोड़ा भून दिए हैं 1-2 मिनट, उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट है वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये अच्छा मिक्स होके मसाले के साथ पकेगा,
और टमाटर कभी भी आप इसमें डालें, और डालने के बाद ही तुरंत आप इसमें नमक डालें। टमाटर के साथ ही नमक डालने से टमाटर का जो कलर है अच्छा सा वो बना हुआ रहता है, और टमाटर भी अच्छा भूनता पकता है, क्योंकि ये थोड़ा रिलीज करता है नमक डालने से। तो थोड़ा नमक आप मसाले में ज़रूर डालें, और मसाले आप हमेशा ढक के पकाएं ताकि इसका जो खुशबू और स्वाद है बहुत ही अच्छा हो जाए। तो बस मैं इसे 2 मिनट चला के उसके बाद ढक दूंगी, और फिर 2-2 मिनट पर मैं इसे चेक करती रहूंगी चला के। ये 2-3 बार मैं चेक कर चुकी हूँ, अभी देखिए ये अच्छा भून गया है, ये मतलब मसाला एकदम तैयार है पक के, तेल छोड़ दिया है ये। तो इसी टाइम मैं इसमें अब डाल दूंगी जो ड्राई मैंगो पाउडर है, आमचूर पाउडर या चाट मसाला, वो मैं इसमें अब डाल दूंगी। तो 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ यहाँ, और उसके बाद मैं ये कसूरी मेथी जो है वो भी मैं इसमें इसी टाइम डाल दूंगी। अच्छे से मैश करूँगी इसको, खूब मिक्स करना है बनिया 1 मिनट, और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हम अपने हिसाब से इसमें डालेंगे। वैसे ये आलू की सब्ज़ी है तो बहुत आलू जो है ना पानी सोखता है, तो इसलिए आप पानी इसमें ज़्यादा ही डालें। वैसे ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ज़्यादा बॉयल तो नहीं करना है, 5 मिनट बॉयल करना है। तो अभी मैं इसमें ग्रेवी में 1 बॉयल आने दूंगी, 1 लीटर से थोड़ा कम पानी मैं इस डाली हूँ। थोड़ा बॉयल आएगा इस पानी में, जूस में, उसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। तो ये 1 बॉयल आ गया है, उसके बाद ही मैं इसमें ये आलू अब डाल दूंगी। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे थोड़ा गैस मीडियम करके हम 5 मिनट इसे पकने देंगे। 5 मिनट पकने से ये क्या होगा, आपस में जूस के साथ मिक्स आलू और टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका। बाद में हम इसे धनिया के साथ, धनिया डाल के मिक्स करेंगे। अभी इसमें थोड़ा नमक और आप डालें, जूस डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक लग रहा होगा कि कम हो जाएगा, तो डाल दें नमक, मिर्ची वगैरह कुछ चाहिए तो। बस ये हो गया है, अब हम इसे ढक दिए हैं, थोड़ा 5 मिनट पक गया है ये। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा ये गाढ़ा गाढ़ा सा दिख रहा है, ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। तो बस मैं इसी टाइम इसे गैस बंद कर दी हूँ, और ये धनिया डाल दूँ, धनिया डाल के मैं इसे अब सर्व करूँगी। तो है ना टेस्टी, दिख रहा है ना यम्मी सा। तो इसे भंडारे में अक्सर पूरी के साथ सर्व किया जाता है, तो आप भी इसे खाएं, पूरी पराठे या चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए इसे सर्व करके दिखाते हैं, तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको करके जरूर बताएं। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।